हेलो मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज हम बात करेंगे बेबी की यूरिन के बारे में। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं 0 to 1 ईयर, उन्हें एक दिन में कितनी बार यूरिन पास करना चाहिए, या कहें तो एक दिन में कितनी बार उन्हें पी आउट करना चाहिए, टॉयलेट करना चाहिए। तो क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनके टॉयलेट और पॉटी से ही जज किया जा सकता है कि वो हेल्दी है, फिट है या नहीं। पेरेंट्स को अक्सर बहुत टेंशन हो जाती है जब बच्चे टॉयलेट नहीं करते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बच्चे को कितनी बार, किस एज के बच्चे को कितनी बार एक दिन में टॉयलेट करना नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है। अगर आपका बेबी 0 to 6 मंथ है और वो एक दिन में कम 5 to 6 बार टॉयलेट कर रहा है तो यह एब्सोल्युटली नॉर्मल है। और अगर आपका बच्चा एक दिन में 20 to 15 बार टॉयलेट कर रहा है, 20 से भी ज्यादा बार टॉयलेट कर रहा है, तो ये भी पूरी तरह से नॉर्मल है। अगर ज्यादा बार टॉयलेट कर रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका साइन है कि बच्चा बहुत अच्छे से फीड ले रहा है, प्रॉपर फीडिंग ले रहा है। तो वो इतनी बार टॉयलेट कर रहा है क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है या फॉर्मूला मिल्क होता है वो बहुत ही लाइट होता है और बहुत जल्दी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो बच्चे फटाफट यूरिन पास करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बेबी एक दिन में 5 to 6 बार टॉयलेट कर रहा है तो ये भी बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि कोई कोई बच्चे होते हैं जो कम टॉयलेट यूरिन पास कर रहे हैं, कम फीड ले रहे हैं, जितना उनको चाहिए उतना ले रहे हैं, जितना उनकी बॉडी के लिए रिक्वायर है। तो 5 to 6 बार यूरिन पास करना भी नॉर्मल है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बेबी ने 5 to 6 बार यूरिन पास किए? इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो 24 आवर्स की साइकिल होती है उसमें बच्चा नॉर्मली 5 to 6 बार यूरिन पास कर देगा। इसमें आपको घड़ी और टाइम लगा के नहीं बैठना है कि 2 घंटे हो गए बच्चे ने यूरिन नहीं पास किया, 3 घंटे हो गए बेबी ने यूरिन पास नहीं किया। 2 से 3 घंटे में बेबी ऑब्वियसली एक ना एक बार तो यूरिन पास कर देगा। कभी कभी क्या होता है कि जब बच्चे सोते होते हैं, 4 घंटे के लिए बच्चा सो रहा है, रेगुलरली सो रहा है, तो सोते हुए ज्यादातर बच्चे यूरिन पास नहीं करते। तो इसमें आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। आप कैसे पता लगाएं कि बच्चे ने यूरिन पास किया है या नहीं किया है? अगर बच्चा लंगोट पहनता है, वेट लंगोट पहन रहा है, तो आप जितनी जितनी लंगोट चेंज करेंगे आपको पता चल जाएगा कि बेबी ने इतनी 6 बार अगर आपने लंगोट चेंज करी तो आपको पता चल जाएगा बेबी ने 6 बार यूरिन पास किया है। पर अगर आपका बेबी डायपर पहनता है तो आपको क्या करना है? तो आपको देखना है डायपर अगर वेट है, जो नॉर्मल हमारा डायपर होता है वो तो काफी हल्का होता है, अगर डायपर वेट है, भारी हो रहा है, वजन है, तो ये नॉर्मल है, बच्चे ने आपको पता लग जाएगा 2 या 3 पी आउट किए। ऐसे आप डायपर चेंज करते रहे, आपने 3 से 4 अगर डायपर चेंज कर दिए तो आपको पता लग जाएगा कि बेबी ने 5 से 6 बार टॉयलेट किए। और कोई कोई पेरेंट्स को वरी हो जाती है कि बच्चे बहुत बार टॉयलेट कर रहे हैं, ये तो 20 बार टॉयलेट कर देता है, मेरा बेबी तो 25 बार टॉयलेट कर देता है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके लिए खुशी की बात है, आप सब खुश हो जाइए अगर बच्चा ज्यादा टॉयलेट कर रहा है तो। इसमें ये साइन है कि बच्चा अच्छे से फीड ले रहा है, बच्चा हेल्दी है, कोई टेंशन की बात नहीं। आपको वरी कब करना है? वरी आपको तब करना है जब आपका बेबी अच्छे से फीड नहीं ले रहा है, फीड लेने के बाद भी वो टॉयलेट नहीं कर रहा है, कम से कम 5 दिन में 2 से 3 या 4 बार टॉयलेट कर रहा है 0 to 6 मंथ। तो इस केस में क्या करना है? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि छोटे बेबी के केस में हमें ज्यादा मतलब घर पे देख के नहीं करना चाहिए। मैं अगर 2 से 3 बार कर रहा तो आपको एक बार डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कर लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर बेबी की यूरिन डार्क येलो कलर की है तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर कभी बेबी की यूरिन से हल्का फुल्का खून आ जाता है, ब्लड आ जाता है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लेना चाहिए। ज्यादातर केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा कम फीड ले रहा है, बच्चे ने ज्यादा फीड नहीं लिया, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चा जब फीड लेगा ही नहीं तो यूरिन कहाँ से पास करेगा। तो इसमें आपको मेहनत करनी होगी, आपको बेबी को हर 2 से 3 घंटे में रेगुलरली फीड कराते रहना है। जब आपको फीड कराते रहेंगे तो उसकी फीडिंग रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी, तो वो 2 से 3 घंटे में थोड़े दिन बाद अपने आप ही मिल्क मांगने लगेगा। तो आपको हर 2 से 3 घंटे में बेबी को दूध पिलाना है और बेबी आपका 5 से 6 बार आराम से यूरिन पास कर देगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम टेंशन लेके बैठ जाएं बच्चा टॉयलेट नहीं करा, कर देगा 24 घंटे में आराम से बेबी 5 से 6 बार टॉयलेट कर देते हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है, 6 to 12 मंथ, 6 महीने से 1 साल तक, और बच्चा 4 बार टॉयलेट कर रहा है या 3 बार टॉयलेट कर रहा है, तो यह एब्सोल्युटली नॉर्मल है, क्योंकि बेबी अब सॉलिड पे आ गया है,
वो सॉलिड सॉलिड स्टार्ट कर दिया है उसने, वो ज़्यादातर मिल्क से ज़्यादा वो सॉलिड ले रहा है, तो जैसा कि हम लोग भी हम सॉलिड ही लेते हैं तो सॉलिड में वाटर की क्वांटिटी कम होती है, इसलिए बच्चा कम यूरिन पास कर रहा है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी वरी की ज़रूरत नहीं है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कुछ साइन बताए थे जो कि वरी के हैं, मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, जब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, अगर आपके बेबी की यूरिन का कलर डार्क येलो है, अगर आपके बेबी की यूरिन में हल्का सा खून आ रहा है, अगर आपका बेबी एक दिन में 2 से 3 बार यूरिन पास कर रहा है, अगर आपके बेबी की यूरिन से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, ज़्यादातर यूजुअली केसेस में ऐसा होता नहीं है, बच्चे की यूरिन से बदबू नहीं आती, अगर आ रही है तो, अगर कुछ ऐसे पॉइंट है तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन लेना चाहिए। अगर ऐसे साइन नहीं है, आपका बेबी एक दिन में 5 से 6 बार टॉयलेट कर रहा है, अच्छे से पॉटी कर रहा है, 7 दिन में 1 बार पॉटी कर रहा है या 1 दिन में 1 बार पॉटी कर रहा है, तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। इससे आप जज कर सकते हैं कि आपका बेबी ऑब्सोल्युटली पूरी तरह से हेल्दी है, तो आप बिल्कुल भी अपने बेबीज को लेकर टेंशन ना लें। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी अगर मुझसे पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट मुझे नीचे लिंक में या नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट के जवाब दूंगी, आपको बताऊंगी। और आप बिल्कुल टेंशन मत ले, अपना पेरेंटहुड एंजॉय करें, बच्चे के साथ एंजॉय करें, बच्चा अच्छे से टॉयलेट भी करेगा, पॉटी भी करेगा, आपका बस एक ड्यूटी है, आपको बच्चे को टाइम टू टाइम फीड कराते रहना है, बच्चा सारी चीज़ें नॉर्मली करता रहेगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल मॉम लाइफ को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय मॉमीज़।